हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय सन रेडियो। सो गाइस, आज जो है मैं दोबारा खेलने जा रहा हूँ GTA 5। भाई अभी जो है हम आ गए हैं, भाई ये माइकल है, माइकल का कैरेक्टर है। भाई आपने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, हमने लास्ट एपिसोड में हेल्प द फकिंग पोर। तो अभी ये भाई थोड़ा सा आ गया, दिस इज ऑन हिज एस ऑल डे। भाई किसी से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, भाई आपको क्या लगता है किससे बात कर रहा है? हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? ये लगता है भी ये एंड व्हाट अबाउट यू, समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कोई फैक्ट्री होगा, ऐसे कोई होगा। या सही लग रहा है कोई फैक्ट्री या क्या बात कर रहा है? चलो देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। I robbed bank. जी जनाब, तो ये अभी फ्रैंकलिन आगे लमार है। भाई मुझे तो लगता है ये कहीं भाग गया, क्या सीन है? छुप छुप के जा रही है, देखो क्या चक्कर है। भाई मुझे तो लगता है ये दो कॉज हैं, मुझे लगता है रेस हो गया। आपको क्या लगता है? तो हम जो व्हाइट वाली लें रेड वाली? मेरे ख्याल से हम व्हाइट वाली लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चोरी कर रहे हैं हम, रेस नहीं है, कुछ छुप के आ रहे हैं। जैसे दो गाड़ियां खड़ी है, मुझे तो लगता है माइकल ने दोनों की रेस करवा दी है। अब भाई टॉप ऑफ तो गाड़ी पे काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से माइकल ने नहीं कर दिया, ये माइकल चोरी करवा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका पीछा करें। आप मार का आपने भी ड्राइविंग अच्छी करनी है, तो फिर ही उसके साथ जो पीछे पीछे चलना, नहीं तो पीछे रह गए तो फिर मसला बन जाएगा। इधर से राइट होना है भाई, काफी टाइम पे आपने अच्छा टाइम बिता दिया, नहीं तो मैं तो आगे निकल जाता। अभी भाई इधर से भाई कार मतलब भाई मैं नीचे से निकलने वाला हूं। ये तो निकाल लिया है, ड्राइविंग अच्छी है ना उसकी, वैसे जा रहा है यार। नहीं ड्राइविंग हमारी भी माड़ी नहीं है, अच्छी है ड्राइविंग, लेकिन फर्क तो है ना अभी उसकी चेक पे ड्राइविंग का। मुझे लगता है हल्की स्पीड पे जाना पड़ेगा, तो कम से कम थोड़ी हल्की स्पीड पे जाएंगे तो फिर आगे निकल जाएगा, फायदा नहीं है इसका पीछा करना। भाई दो इंटी थी शायद, आपने तो बस गाड़ी का सत्यानाश कर दिया आपने। भाई ये इस कार का भी क्या फायदा है चोरी का? इधर से एक लैप होना है, मेरे ख्याल से इधर से जाना है, इधर ही वो आगे जा रहा है। भाई नजर लग गई आपकी ड्राइविंग को? नहीं नजर तो नहीं लग गई है, बस आप थोड़े से जो नहीं थी ले लिया आपने। भाई ये किधर जा रहा है? शॉर्टकट आए हैं, वो ऊपर से आया, चलें कोई बात नहीं, आ गए हैं बस, ठीक है। टाइम बच गया, नहीं तो हमें ऊपर से होकर आना पता, तो भाई हम पीछे आ जाते। ऊपर से आते तो शायद हमें रास्ते का भी पता ना चलता, बस शॉर्टकट हो गया बहुत है उसकी। तू आप देखें गाड़ी आओ, आपने वो तो सही है यार, भाई कोई बात नहीं, बंदे लगवा लेंगे, नेटवर्क है तो काफी अच्छा। भाई उनका पता लगवा लेंगे, भाई ये अंधा आ रहा था आगे से। अंधा वो नहीं है भाई, यहाँ बंदे हो मेरे ख्याल से, अपनी साइड पे आ रहा था। आपको समझ नहीं आ रही किधर जा रहा है आपको भी यार? भाई ये उल्टी ड्राइविंग है भाई, इधर भाई पहले ड्राइविंग काफी अच्छी हुई थी, अब जो है नजर लग गई है वाकई। भाई इधर से जाना ना, नीचे आ जाता अभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। भाई बिना देखे भाई निकाल रहा है, मेरे ख्याल में तो फायदा भी यही है उसका पीछा करें, अगर आगे जाएगा तो बिल्कुल रास्ते का हमको पता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी चोरी कर रहे हैं माने ना माने, मेरे ख्याल से गाड़ी चोरी कर रहे हैं जिस तरह भगा। मुझे लगता है रेस हो गई, नहीं तो अभी तक कितने भाई किसी डेस्टिनेशन पे गया होता भाई, ऐसे भाई छोटे पतले रास्ते पे ना जाता, पुलिस भी पीछे पड़ी होती। लगता है यार पुलिस आ रही है, अलार्म तो बज रहे हैं, देखें वो तो भाग गया, क्या चक्कर है? हाँ पुलिस है भाई, भागो यार पुलिस आ गई है गाड़ी। भाई आपको बोला आपने गाड़ी चोरी की, आप मान रही थे उधर, नहीं ये रेस है, रेस नहीं है भाई।
जैसे चल रहे थे मुझे तो ऐसा ही लग रहा था भाई रेस है, लेकिन भाई माइकल तो भाई बहुत गलत बंदा है। मैंने भी पहले एक दो वीडियो देखी थी तो उसमें यही बोल रहे हैं रेस है, ये रेस नहीं है, ये गाड़ी चोरी, माइकल गाड़ी चोरी करवा रहा है। भाई पुलिस तो काफ़ी गंदी पीछे लग गई है भाई, काफ़ी ज़्यादा भी बिगाड़नी पड़ेगी कार। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रही भाई माइकल इसका कहेगा क्या भाई, जो हमने वो जो है लमार ने भाई हालत कर दिया दोनों की, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं ये तो शाम तक भी पुलिस ने पीछा छोड़ के, आप ड्राइविंग थोड़ी अच्छी करें तो फिर ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना। लगता है भाई तो अभी पुलिस वाले एरिया से भी दूर भागना पड़ेगा हमें। भाई इधर अभी थोड़ा सा सीधा रोड आता है तो फिर उधर से भी भगाते हैं भाई। उस कल्टी देखे आप ज़्यादा घूम गए थे आप, ड्राइविंग आप थोड़ी अच्छी करें तो फिर पुलिस से जान छुटेगी, ऐसे नहीं छुटेगी यार। ये अभी पता नहीं सीधी कैसे होगी यार, पुलिस तो आ गई है, हो गया यार। हाँ बस इधर सीधा जाए, सीधा जाए, बस सीधा जाना आप, राइट लेफ्ट नहीं होना, बस सीधा ही जाना। ठीक है राइट लेफ्ट नहीं, हाँ मैं सीधा ही चला जाता हूँ भाई, सीधा ही चलता है भाई, काफ़ी अच्छा एरिया है भाई। हाँ जाना सीधा, लेकिन गाड़ी माड़ी को जाने दे, इधर ही जाने दे जिधर जा रहे। ठीक है सीधे हो गया फिर से, और भाई गंदी लग गया भाई आगे से जो आ जाते हैं ना। क्या गाड़ी की पुलिस क्या पीछा चढ़ के, दो गाड़ियाँ हैं आपसे वो भी जान नहीं छोड़ रही, उनसे क्या करेंगे यार आप? आप ड्राइविंग बहुत गलत कर रहे हैं। तो बहुत गंदी लगने वाली थी लेकिन बच गए हैं। किधर जा रहे हैं यार? फिर आप फिर उन्होंने देख लिया यार, अभी आप नहीं तो सीधा रखना, कहीं से कट नहीं लेना है। ठीक है फिर भी नहीं लेना, नहीं फिर भी नहीं लेना। पुलिस का अभी पता ही नहीं चल रहा है आप किधर है, कि लोकेशन जो है वो उनको लाश कर गई है, तो आपने इधर ही जाना है, बस आराम से चलें, आराम से चलें, आराम से, आराम से। इधर कहीं पे ऐसी बिल्डिंग में अंदर करें गाड़ी को कहीं पे, बिल्डिंग में कोई पार्किंग मिलेगी तो करूँगा, अभी कोई पार्किंग नहीं मिली तो भाई अंदर बिल्डिंग में मुझे लगता है इस लोकेशन से हम पहले गुजर के गए हैं कि नहीं गुजर के गए? गुजर के गए हैं शायद, नहीं गुजर के गए, वहाँ पुलिस तो जो है वो उतर गई है, उन्होंने पीछा छोड़ दिया है। अभी किधर जाना है वो लोकेशन मिल गई है हमको, आप किधर जाना है देखें। मैं आपको एक दफ़ा भाई कार का व्यू दिखा दूँ भाई, देखें इस कार का भाई। यार दो गाड़ियाँ चोरी की हैं, एक तो बची हुई है ना लमार वाली, तो ऐसे नहीं होगी। हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगा भाई, लेकिन भाई उसने भी दो तीन टक्कर तो हमारे सामने लगाई थी, फिर भी उसकी हालत अच्छी होगी। जब पुलिस पीछे लग गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है टक्करें लगी हैं, पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लगी। चलें ठीक है दोस्त, अभी लोकेशन पे पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। अभी जो है हम पहुंचने वाले हैं भाई लोकेशन पे भाई, ये शायद से माइकल ने हमें जो है भेजी थी, तभी चलते हैं भाई। आपको क्या लगता है इधर क्या होगा? अभी मेरे ख्याल में तो इधर कोई गाड़ी माड़ी रिपेयर करवानी है, लेकिन अंदर चलते हैं तो फिर ये सर्विस एरिया ही है कोई भाई। ये तो सिमियन का शोरूम मुझे लग रहा है,
मुझे तो पता नहीं है, आपको शायद ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है सिम्योन का ही हो। मैंने एक वीडियो देखते हुए उसमें भाई बोल रहा था भाई सिम्योन के आगे मुझे कंफर्म तो नहीं पता, अब बेचारे को भाई देख लेता भाई कौन है। मुझे नहीं पता भाई किधर गया, मुझे तो लगता है ये धोखा दे देंगे इन्हें। आपको क्या लगता है? लगता तो वैसा है, लेकिन ऐसे नहीं, एक बार काम तो नहीं है ना, काम बार बार होता है, ऐसे काम करवाने हैं तो फिर पेमेंट हो जाएगा। हाँ भाई ऐसा, ये बात तो ठीक है, अगर ये काम माइकल को करवाना है तो भी पेमेंट तो ठीक होगा। हो सकता है वो उन्होंने ना बताया उस सम्यान को कि गाड़ी चोरी करवानी है, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मेरा नाम ना आए। जी जी ऐसा भी हो सकता है कि सम्यान को पता ही ना हो कि भाई चोरी कर दिया तो हो गई हो कर लियो। ऐसा हो सकता है। अभी भाई वो बोल रहा है कि पैसा अमीयत नहीं रखता, हमने जो है इनसे रिलेशन रखना है। बोल रहे भाई चलो चलते हैं फिर, तो वो बाय बाय बोल रहे तो चलते हैं। अभी हम रेड वाली चेक करेंगे यार, इसकी तो अपनी तो भाई लग गया, मुझे तो लगता है अपनी का खर्चा ही निकलेगा इस कार का, जैसी हालत हमने भाई कर दी है। इधर छोड़ दी है वो, एक गाड़ी जो है वो हमें अपनी दे रहे हैं, वो इधर ही रहेंगी। फ्रैंकलिन का होम बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन का घर जाए, देखते हैं फिर घर जाके क्या करना है। Your auntie Denise with all that ass nigga she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Itni zyada to nahi hai. Sexy. चलो फाइनल लोकेशन पे पहुंच के फिर बात करते हैं। तो भाई फाइनली जो है हम पहुंच आए हैं भाई, नहीं भाई लोकेशन जो मिली थी लोकेशन पे पहुंच आए हैं। अभी इधर भाई फ्रैंकलिन का हाउस देखना पड़ेगा कौन सा है। भाई राइट साइड पे बोला भाई, man shit it's good to be home. ये गैराज लग रहा है इसका। अभी भाई हम दोनों ने लोकेशन भी दिया, अंदर जाके हम मजा रुकने रुक गया। तो अभी बाहर निकलते हैं, अभी देखते हैं भाई क्या होता है। तो अभी भाई दोनों बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्रैंकलिन अंदर जाएगा तो भाई घर जाएगा। ऐसा ही होगा भाई, और तो कुछ नहीं है, अभी पेमेंट तो इनको मिली नहीं है, वो तो अभी मैं कल मिलेगा इनको, तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। भाई इतने जान मुश्किल में डाली है फिर भी पैसे नहीं मिले आज। ज्यादा तो किया माइकल ने, पर अभी वो भाई बोल रहा है तरीके कैसे बोल रहा है उसने, बिल्कुल अजीब ही तरीका था भाई का, मुझे भी नहीं समझ आई कि उसने क्या कैसे किस तरीके से भाई किया। गंदा का लगता है वो लड़की बैठी है, ये शायद फ्रैंकलिन की आंटी है। वो शायद इसकी आंटी है, अभी वो कार्टून देख रही है और साथ में बोल रही है आप घर से निकल जाओ, अभी तक मेरे पास भी ना हो, पता नहीं क्या चक्कर है। गुस्सा भी आ गया लगता है, निकल जाएगा लेकिन कमरे में आ गया, डस्ट करेगा देखें। थक गया भाई चोरी करके, और ये टी शर्ट शर्ट पर पड़ी हुई थी, ये शायद अंदर रखेगा। आंटी ने प्रेस की होगी या करा के लाया होगा, क्या आपके क्या से बोलते हैं? मुझे लगता है आंटी ने की होगी, नहीं तो खुद उसने की होगी भाई, अपने पास पैसे भी नहीं। और परफ्यूम लगा रहा क्या कर रहा है यार। तो ठीक है गाइस, मिशन कंप्लीट हो गया, तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।